Zombie apocalypse. हेलो गाइस, तो गाइस स्वागत है मेरे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हम सिर्फ डेवलपर बिल्ड मोड में ही कर सकते हैं, जो कि सुपरसेल के पास ही होता है और सुपरसेल के स्टाफ के पास ही होता है, ताकि यार वो उसे खेल सके, टेस्ट कर सके, कुछ इसी वजह से, है ना। तो गाइस आज हम लोग उसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर बिल्ड ही कर सकती, हमारी नॉर्मल गेम नहीं कर सकती, ठीक है। तो गाइस चलो यार बढ़ते हैं सबसे पहले वाले के ऊपर। तो सबसे पहले आता है यार मैक्स देयर बेस इन 1 सेकेंड। तो ऐसे अगर आपको पता है तो यार प्राइवेट सर्वर्स में कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जिससे यार हम अपने बेस को पूरा मैक्स कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर सुपरसेल के पास भी ऐसा ही कोई चीज़ होता है जिससे यार वो 1 सेकेंड में मैक्स आउट कर देते हैं। और मैं यहाँ पर प्राइवेट सर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया कि यार यहाँ पर भी होता है, जो प्राइवेट सर्वर में आप लोग कमांड देकर उसे मैक्स आउट कर सकते हैं अपने बेस को। यहाँ पर डेवलपर बिल्ड में भी यही होता है, आप लोग 1 सेकेंड में पूरा का पूरा बेस मैक्स आउट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात तो ये कि यार इसमें आपको वेट करना ही नहीं पड़ेगा कि यार कब तक मेरा अपडेट होगा, कब तक मेरा TH11 मैक्स होगा। इसमें बस आपको डालना है एक कमांड, जो कि चैट में डालना होता है। वो चैट में कमांड डालते ही आपका जो पूरा बेस है वो पूरा मैक्स आउट हो जाएगा, 100% मैक्स आउट। तो ऐसा चलो यार बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो ऐसा दूसरे में आता है यार क्लैंस के बारे में। तो गाइस यार आपको पता होगा कि यार पावर बैंक ने एक वीडियो डाली थी, जो कि जब नया बैजेस आ रहे थे, मतलब ये जो क्लैन लेवल जो बढ़ते रहते हैं उसमें नए नए बैजेस आते रहते हैं, नए नए विजुअल्स आते रहते हैं। तो ऐसा ये अपडेट के टाइम उसने एक स्नीक पीक रिलीज की थी, जिसमें उसने बताया था कि यार ये देखो यहाँ पर है सारे के सारे बैजेस 1 लेवल to 30 लेवल के क्लैन तक। और गाइस तभी आप लोगों ने गौर दिया होगा तो यार उसके चैट में ना एक एक करके यार लेवल अप्स होते ही जा रहे थे, रुक ही नहीं रहते। जैसे 1 लेवल हो गया कंप्लीट, 2 लेवल हो गया कंप्लीट, ऐसे करते करते 30 लेवल कंप्लीट हो जाते उसके, वो भी बिना किसी वेट किए 1-2 सेकेंड में। यार पूरा का पूरा जो क्लैन होता है वो 1 लेवल से 30 लेवल तक पहुँच जाता है, जो कि यार बहुत ही जल्दी है, और ये भी सिर्फ एक कमांड के थ्रू ही हो सकता है। मतलब कैसे उन्हें वेट करना ही नहीं पड़ता है, और उन्हें ना ही वॉर लड़ना पड़ता है, ना ही कुछ करना पड़ता है, वो बस एक कमांड डालते हैं और उनका लेवल जो होता है वो अप हो जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और ये सारी चीज़ें यार हमारी जो नॉर्मल गेम्स होती है, जैसे अभी मैं जिसको पकड़ा हुआ हूँ, तो यार ये नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें। तो ऐसा चलना पड़ता है तीसरे वाले की तरफ। तो ऐसा थर्ड में हम लोग बात करने वाले हैं रिसोर्स के बारे में। तो ऐसा आपको पता ही है कि यार ये डेवलपर बिल्ड है, और डेवलपर बिल्ड में यार सारे की सारी चीज़ें अनलिमिटेड होते हैं, जैसे रिसोर्स हो गए, जेम्स हो गए, सारे की सारी चीज़ें जो होते हैं ना वो एकदम अनलिमिटेड होते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती, इन्फिनिटी होती है पूरी की पूरी। तो ऐसा इसमें आप लोग अनलिमिटेड रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, भले से आप किसी पे भी अपग्रेड पे डालो वो अपने आप रिस्टोर हो जाएगी। शायद ऐसा हो सकता है कि यार उसके लिए भी एक कमांड हो। तो यार ये बहुत ही बढ़िया बात है यार कि यार ये लोग पूरा कोई भी, मतलब अनलिमिटेड रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, वो कोई भी अपग्रेड लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। और तो और उनके पास होंगे जेम्स भी, वो भी जेम्स भी होंगे अनलिमिटेड, कोई भी रोक टोक नहीं होगी। तो कैसे चलो यार बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। तो वैसे फोर्थ में हम लोग बात करने वाले हैं अपग्रेड्स के बारे में। तो कैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया कि यार उसमें अनलिमिटेड रिसोर्स और जेम्स होते हैं। तो वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि यार आप लोग कोई चीज़ अपग्रेड पे लगाओ उस पर आप जेम ना करो। तो वैसे इससे साबित होता है कि यार ये जो अपग्रेड्स है इसमें यार नो टाइम लगता है, मतलब गाइस यार आप लोग डायरेक्टली जेम करके उसको मैक्स आउट कर सकते हो, वो भी बिना किसी वेट के, क्योंकि यार उसके पास है अनलिमिटेड जेम्स, जिसके मदद से आप लोग इंस्टेंटली कंप्लीट कर सकते हो अपने कोई भी अपग्रेड को। तो ऐसा चलो यार बढ़ते हैं फिफ्थ वाले की तरफ। तो ऐसा फिफ्थ में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडर के बारे में। तो कैसे आपको पता ही, हमारे पास जो ट्रेडर आता है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो न्यू डील का टाइम है वो है 17 आवर्स। मगर आप लोगों ने यार बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, जैसे जो सुपरसेल से कनेक्टेड यूट्यूबर्स है लाइक गैलेडॉन, गॉडसन, तो इन लोगों के यार इन लोग जब ये स्नीक पिक का वीडियो बना रहे थे, ये हमें दिखा रहे थे कि यार ये है ट्रेडर, इंट्रोड्यूस कर रहे थे इसको, तो यार वो पहले पूरे के पूरे डील्स को ख़रीद लेते हैं, और फिर सारे के सारे डील्स को ख़रीदने के बाद कुछ ही मिनटों बाद या फिर कुछ ही सेकेंड बाद यहाँ पर नए डील्स आ जाते हैं, जो कि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती। उसमें बताता तो है भाई 14 आवर्स लगेंगे, 16 आवर्स लगेंगे, मगर कहीं से यार ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, वो यार कुछ ही मिनटों में आ जाता है वापस से, जो कि भाई उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगती है। तो इसका मतलब ये है कि यार ये इसमें जो ट्रेडर का टाइम है वो भी यार बहुत ही कम है। आप लोग जैसे सारे के सारे चीज़ों को परचेस कर लोगे, वैसे यार नया नए नए डील्स आ जाएंगे।
तो यार ये थे कुछ पांच चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर बिल्ड मोड ही कर सकती है। हमारे नॉर्मल जो होते हैं ना, नॉर्मल जो हमारे विलेजेस है या फिर जो नॉर्मल गेम है क्लैश ऑफ क्लैंस का, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती। तो यार आपको क्या लगता है डेवलपर मोड और क्या क्या कर सकती है यार, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ ताकि यार मैं अगला पार्ट भी इसका बना सकूँ, ठीक है। एंड गाइस यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई इस वीडियो को लाइक मारो, इस वीडियो को यार अपने सारे दोस्तों के साथ यार शेयर मार दो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब मारो, बेल आइकन को दबाओ। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए प्ले गेम, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी गेमडियन, पीस आउट। हे गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यहाँ पर आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, जल्दी से यार मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि यार हमारी चैनल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है क्लैश ऑफ क्लैंस कम्युनिटी में।